हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल आरएम बॉक्स ऑफिस में। तो गाइस, आज हम लोग जानने वाले हैं पूरी जगन्नाथ के डायरेक्शन में बनने वाली मूवी लाइगर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो गाइस, इस मूवी को रिलीज़ हुए आज 6 दिन हो चुके हैं, तो इसके 6 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखना। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के बजट की। तो गाइस, इस मूवी का बजट है 100 करोड़ और इस मूवी को वर्ल्ड वाइड 3400 स्क्रीन में रिलीज़ किया गया था। और इसके लीड रोल में आपको विजय देवरकोंडा, अनन्या पांडे एंड रामिया कृष्णन इसके लीड रोल में आपको नजर आए थे। तो फिर बात करते गए जिस मूवी के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो गए जिस मूवी ने अपने पहले दिन 16 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और इस मूवी ने अपने दूसरे दिन 7 करोड़ 70 लाख रुपये का कलेक्शन किया था। यानी कि इस मूवी का जो शुरुआती 2 दिनों का जो टोटल कलेक्शन है वो 23 करोड़ 70 लाख रुपये का कलेक्शन कर चुकी है। तो फिर बात करते हैं इस मूवी के तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो अपने तीसरे दिन इस मूवी ने 6 करोड़ 55 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। यानी कि इस मूवी का जो शुरुआती 3 दिनों का जो टोटल कलेक्शन है वो 30 करोड़ 25 लाख रुपए का कलेक्शन किया है, जो कि शानदार कलेक्शन किया है इस मूवी ने। तो फिर बात करते गए जिस मूवी के चौथे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो अपने चौथे दिन इस मूवी ने 5 करोड़ 25 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। यानी कि इस मूवी का जो शुरुआती 4 दिनों का जो टोटल कलेक्शन है वो 35 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन कर चुकी है। तो फिर बात करते गए जिस मूवी के 5वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो गए जिस मूवी ने अपने 5वें दिन 1 करोड़ 40 लाख रुपए का ही कलेक्शन किया है। यानी कि ये बहुत ही माइनस ग्रोथ देखने को मिला है अपने 5वें दिन। यानी कि इस मूवी का जो शुरुआती 5 दिनों का जो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन है वो 36 करोड़ 90 लाख रुपये का कलेक्शन कर चुकी है। तो फिर बात करते गए जिस मूवी के 6ठे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। यानी कि आज के दिन इस मूवी की कितनी ऑक्यूपेंसी आ रही है। तो गए आज के दिन ये मूवी 1 करोड़ रुपये का कलेक्शन करती हुई नज़र आ रही है। यानी कि इस मूवी का जो शुरुआती 6 दिनों का जो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन है वो 37 करोड़ 90 लाख रुपए का कलेक्शन कर चुकी है। तो फिर बात करते गए जिस मूवी के ओवरसीज मार्केट के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो गए जिस मूवी ने अपने शुरुआती 6 दिनों में ओवरसीज मार्केट से 33 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। यानी कि इस मूवी का जो टोटल वर्ल्ड वाइड अपने 6 दिनों का जो कलेक्शन है वो 75 करोड़ रुपये के आंकड़े को टच कर दिया है। तो फिर बात करते हैं गए जिस मूवी के हिट और फ्लॉप की। तो गए जिस मूवी को हिट होने के लिए कम से कम 120 से 125 करोड़ रुपए का कलेक्शन करना पड़ेगा, तब जाके ये मूवी हिट साबित हो सकती है। वैसे गए आपको क्या लगता है, ये मूवी 120 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके एक हिट मूवी साबित हो सकती है, इसको कमेंट में ज़रूर बताना। तो गए आज के लिए इतने, मिलते हैं अगले वीडियो में।